हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड। आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी कि आईसीटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराइए, कुछ वीडियो बनाइए, तो सुबह के टाइम हमने इंटरनेट के बारे में एक वीडियो आपको दे दी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, लिंक दे दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे वो आपको काफी हेल्प करेंगे आईसीटी के बारे में समझने में। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से तैयार रहिए। तो पहला आपका क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इज। आईसीटी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और आईसीटी आज की डेट में इतनी रेलेवेंट ब्रांच हो चुकी है कि आईसीटी डे भी मनाया जाता है और ये स्पेशली गर्ल्स के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड डे बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स इन आईसीटी, ऐसा ऐसा एक डे मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज है, आज की डेट में जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बहुत आगे जा चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही है। तो जल्दी से बताइए आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो ये जो चैप्टर आपका बहुत अच्छा चैप्टर आपका आईसीटी एंड इंटरनेट एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसमें आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आईसीटी का फुल फॉर्म, आपसे पेपर में इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ये बस ये पूछ सकते हैं कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आपकी टीचिंग होता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, या फिर आपका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, या फिर लास्ट आपका इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होता है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आया है। किसके साथ जा रहे हैं? तो सारे किसके साथ जा रहे हैं? तो सभी के सभी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जिसने भी इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टीचिंग नहीं होगा, क्या होगा इसका, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जिसने भी कमेंट सेक्शन में जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या हो जाएगा इसका, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में एक दो लाइन में आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका आईटी, जिसका पूरा नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये हमारा कौन सा है, आईसीटी। दोनों में अंतर क्या है, कम्युनिकेशन पे, किस पे फोकस किया गया है, कम्युनिकेशन पे। यानी आपका कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, आपका वायरलेस के माध्यम से हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, यानी कि आप कोई भी टेलीकम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जबकि आईटी में क्या था, आईटी में बस आप इंटरनेट का यूज कर रहे थे, पर यहाँ पे रेडियो कर सकते हो, टीवी कर सकते हो, आप इंटरनेट कर सकते हो, वायरलेस कर सकते हो, किसी भी माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो शायद आपको चीजें क्लियर है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को समझेगा जिसमें जीरो और एक आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को समझेगा, तीसरा क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज, और चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझेगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो आप कम्युनिकेट, आप कंप्यूटर में जो आपका कंप्यूटर होता है कौन से लैंग्वेज को समझता है, क्या वो बाइनरी सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम को करता है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है, या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो आज हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सीआईटीएस के लिए बेस्ट है और आने वाले कंपटीशन में, यानी कि जो बच्चे ये यूपीपीसीएल और भी बहुत कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, वहां पे भी क्वेश्चन बहुत आपके यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज को एक तरह से समझता है, तो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, कौन सा होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। या इसमें क्या होता है आपका, जीरो वन क्या होता है, जीरो जीरो मतलब लो, वन मतलब हाई, ठीक है, क्लियर है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्सागन क्या है, जो नंबर होता है क्या होता है, ठीक है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं।
तो जैसा कि सर ने बताया कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। बाइनरी का मतलब होता है डिस्क्रीट डिजिट्स। डिस्क्रीट मतलब या तो वो जीरो को या तो जीरो या वन, ठीक है। जीरो को हम क्या बोलते हैं, लो बोलते हैं, और वन को हम क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। बाइनरी सिस्टम के अलावा और भी कई प्रकार के सिस्टम है जो कई सारी ब्रांचेस के अंदर कॉमन कोर्स में दिए गए हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उनपे वीडियो लाने की अगर आपकी डिमांड हुई तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। गौरव सर आगे बढ़ाइए। तो अगला क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल है, आपने पहले कई बार पढ़ा होगा इसको, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, सीपीयू, ठीक है, जिसे ब्रेन भी कहा जाता है ना, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सर इसको, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब 100% बच्चों को जवाब इसका बिल्कुल सही है, किसके साथ जा रहे हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या बी होगा, जल्दी जवाब दो, कुछ बच्चे ने जवाब नहीं दिया अभी भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, तो जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU क्या होता है, ये सीपीयू के अंदर एक भाग होता है, जो भाग होता है ALU, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका फुल फॉर्म बताना आपको, जैसे कि आप नॉर्मल आप कैलकुलेशन करते हो ना, ऐसे भी तो कंप्यूटर भी तो करता है, वो मैथ को जोड़ता है, घटाता है, प्लस करता है, माइनस करता है, तो ये सारे काम कहाँ पे होता है, आपका ALU में होता है, ठीक है। तो उसी का आपको फुल फॉर्म बताना है कि ALU जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है इसका, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब यहाँ पे 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, किसके साथ जा रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, ए के साथ या सी के साथ, जल्दी, कुछ बच्चों ने जवाब नहीं दिया अभी भी, मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे जुड़े हैं, कनेक्ट हैं यहाँ पे बहुत सारे, पर अभी भी कोई कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उससे पहले मैं ALU के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ALU हमारे कंप्यूटर का मेन भाग होता है, जिसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस। ALU का जो मेन भाग होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितनी एडिशनल नॉलेज है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम बताइए। आपको लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है और देखते हैं कौन जवाब दे पाता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन जवाब दे रहा है। गौरव सर इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना, या फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत कम लोग जवाब दे पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, जो हमारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं, उसका नाम है क्वालकॉम, ठीक है। क्वालकॉम जो है वो मोबाइल के लिए, जो माइक्रो मोबाइल में जो मोबाइल माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, उसकी सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर हम देखें कि कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं उसकी सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो वो है इंटेल इनसाइड, ठीक है। आपने देखा भी होगा आपके कंप्यूटर वगैरह पे लिखा रहता है, तो थोड़ा सा आपको एडिशनल चीज पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कंटेन्स मेमोरी। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का वह कौन सा भाग होता है जिसके अंदर मेमोरी रखी जाती है, मेमोरी समाहित होती है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है यार, इसे तो आप आग बंद कर ले जाओगे, जल्दी जवाब दो इसका, क्या होगा, क्या इनपुट यूनिट होगा आपका, आउटपुट यूनिट होगा, सीपीयू में होगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप जवाब दे सकते हो, जो आपका मेमोरी होता है ये कंटेंट कहाँ पे होता है, कंप्यूटर के कौन से पार्ट में ये होता है आपका, ठीक है। तो आप, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कहाँ पे होता है, ये सीपीयू में होता है, कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर क्या, सी, उसका बिल्कुल सही है, क्लियर है ना, या किसी को डाउट अभी भी है? तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। चार ऑप्शन है आपके सामने, स्पीकर, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है नहीं है, तो आपको बताना है कि नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सी निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस नहीं होगी।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको, ठीक है। आपसे ये पूछता है, इनपुट पूछ लेगा, आपसे आउटपुट पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जो आपके आपके इनपुट और आउटपुट दोनों में आते हैं, ठीक है। स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं, कि स्पीकर हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। क्या होता है, आउटपुट होता है। अगर यहाँ पे माइक्रोफोन होता आपका, ठीक है, अगर माइक्रोफोन होता तो माइक्रोफोन आपका इनपुट में आता। अगर बात करें प्रोजेक्टर के बारे में, तो प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन के बारे में बात करें, तो लाइट पेन क्या होता है, आप इसका बता सकते हो क्या, इसका यही होगा। और या फिर प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में बात करें हम, तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अगर स्कैनर के बारे में बात करें, तो फिर हमारा स्कैनर क्या होगा, हमारा स्कैनर क्या होगा, हमारा स्कैनर हमारा इनपुट होता है। पर यहाँ पे देखो क्या, लाइट पेन, लाइट पेन हमारे किस में आता है, तो ये आता है हमारा इनपुट डिवाइस में, ठीक है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइट पेन उसका बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जैसे हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाइट पेन का यूज क्या होता है। कमेंट सेक्शन में लिखिए लाइट पेन का यूज क्या होता है। कुछ लोग लिख रहे हैं, ठीक है, पर बहुत कम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइट पेन का जो यूज होता है, एज ए इनपुट डिवाइस हम करते हैं। अगर मान लिया हमें, जैसे एक होता है ना कि हमारे पास एक स्मार्ट पेन होता है ना, तो जैसे मान लिया हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ लिखना है, तो हमारे पास क्या होता है कि एक वो होता है टैबलेट टाइप का होता है, उसके लिए एक स्पेशल पेन आता है, ठीक है, स्टाइलस बोलते हैं उसे। उससे हम उस जो वो हमारा एक प्रकार से जो पैड सा आ रखा है, डिजिटल पैड आता है, उसके ऊपर लिखते हैं। तो वो जो पेन हम यूज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं लाइट पेन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज द डाटा प्रोसेसिंग वर्क डन। डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर के किस भाग में होती है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत सही क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसा, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, डाटा प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर के कौन से पार्ट में होता है, ठीक है। कंप्यूटर के कौन से पार्ट में डाटा प्रोसेसिंग होता है, क्या सीपीयू में होता है, आउटपुट यूनिट में होता है, इनपुट यूनिट में होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ जा रहे हैं, सीपीयू के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। चार ऑप्शन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सी निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी देखो, बहुत क्वेश्चन आपसे यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन क्लियर होंगे, चलो देखते हैं कैसे होंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, कि आपके पास सामने ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट पेन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट पेन हमारा कौन सा होता है, हमारा इनपुट होता है, ठीक है। जॉयस्टिक क्या होता है हमारा, क्या ये हमारा इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो हमारा जॉयस्टिक भी जो होता है, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा इनपुट होता है, क्या होता है, इनपुट होता है। स्कैनर के बारे में बात करें हम, तो स्कैनर क्या होता है हमारा, स्कैनर अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्कैनर होता है ये क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो हमारा जो स्कैनर होता है ये भी हमारा इनपुट होता है, ठीक है। स्कैनर हो गया आपका, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, इसके अलावा क्या चीज बचा, इसके अलावा कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, मैक हो गया आपका, स्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, रिकॉर्डर हो गया आपका, ओएमआर हो गया, माइक हो गया, ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपके इनपुट होते हैं। पर प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट होता है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। इसके अलावा मैं कुछ और बता दूं एडिशनल में, तो आपका स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया आपका, हेडफोन हो गया, हेडफोन, ठीक है, साउंड कार्ड हो गया, टीवी वगैरह हो गया आपका, वीडियो कार्ड हो गया, जीपीएस हो गया, जीपीएस, जीपीएस भी आपका आउटपुट में आता है। शायद आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि सर ने अभी अभी आपको कुछ बता दिया है, मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहूंगा। आप में से कौन जानता है कि जॉयस्टिक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि जॉयस्टिक का क्या यूज होता है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, जॉयस्टिक का यूज क्या करते हैं हम, जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, जैसे किसी के पास एक्सबॉक्स होता है, प्ले स्टेशन होता है, तो उसे गेम खेलने का कीड़ा होता है, तो वो क्या होता है जिससे हम खेलते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉयस्टिक्स, ठीक है। स्कैनर का आपको पता ही है, स्कैनर में क्या करते हैं, मान लिया हमें कोई टेक्स्ट है, ठीक है, मान लिया आपकी कॉपी कॉपी है, ठीक है, कॉपी से आपको कोई टेक्स्ट क्या है कंप्यूटर में डालना है,
उसको स्कैन करके, तो स्कैनिंग करना जो होता है वो होता है स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर तो क्या है आज की डेट में, जो हमारे ऑल इन वन मशीन है उसमें भी आता है, और आप डेडिकेटेड स्कैनर भी ले सकते हो। लाइट पेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लाइट पेन क्या होता है, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, यानी कि मान लिया हमें कंप्यूटर, हमारे हम जो वीडियो वगैरह बना रहे हैं वहां पे हमें कंप्यूटर पे कुछ लिखना है स्क्रीन पे, ठीक है, तो हम लाइट पेन के थ्रू लिख सकते हैं। और प्रिंटर का आपको पता ही है क्या होता है, प्रिंटर किस काम आता है, प्रिंट आउट निकालने के काम आता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी वो डिवाइस है जो ना सिर्फ इनपुट है बल्कि वो आउटपुट भी है। जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मैंने कहा था ना आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका इनपुट भी होता है और आउटपुट होता है, कुछ डिवाइस होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, इसमें जवाब दो, क्या मॉडम होता है, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन फैक्स मशीन जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, कौन सा है इसमें जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होता है, क्या मॉडम। मॉडम के आपके दो दो काम होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका मॉड्यूलेशन होता है, एक होता है आपका डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या होता है, वो चीज होता है, ठीक है। आपके पास टच स्क्रीन आपका फोन है, तो आपका जो टच स्क्रीन है क्या आउटपुट होता है, इनपुट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। जो फैक्स मशीन होता है, क्या आपका इनपुट आउटपुट दोनों होता है, या फिर इनपुट इनपुट होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब 90% के 98% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, सारे जा रहे ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि ऑल ऑफ दिस, तीस तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा जो भी आपको पता है कुछ और डिवाइसेज हैं जो आपके आउटपुट और इनपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है, मतलब दोनों में आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनका भी नाम लिख सकते हो, कैसे कौन कौन से आते हैं आपके, आपके जो एक ऑडियो कार्ड होता है वो भी आता है आपका, साउंड कार्ड होता है वो भी आता है आपका अलावा, ठीक है। और आप ये बता सकते हो जो कैमरा होता है, डिजिटल जो कैमरा होता है, ठीक है, ये आपका कौन सा डिवाइस है, क्या इनपुट है, आउटपुट है, या फिर दोनों है, तो आप इसका जवाब मुझे बता सकते हो। जो डिजिटल कैमरा होता है वो कैसा डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट या दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी की तरह कौन सी डिवाइस काम करती है, हार्ड डिस्क काम करती है, प्रिंटर काम करता है, रैम काम करती है, या प्रोजेक्टर काम करता है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे ये बता दीजिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से कौन सा है जो आप एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी की तरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कि तौर पे किया जाता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रिंटर होता है, रैम होता है, या फिर आपका प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ बच्चों को जवाब थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है जो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आप यूज कर लेते हो, क्या हार्ड डिस्क होता है, क्या होता है आपका, एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो आप ये भी जवाब दे सकते हो कौन सा इसमें परमानेंट मेमोरी होता है, क्या रैम होता है परमानेंट होता है, या फिर आपका रोम परमानेंट होता है। तो आप इनका भी जवाब दे सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब 80-90% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हम हार्ड डिस्क को एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही है। और मुझे ये बता दो जो आपका रोम होता है ये कैसा मेमोरी होता है, परमानेंट होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन बाइट इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो कंप्यूटर के अंदर मेजरिंग एक तरीके से यूनिट होती है वो होती है बिट, ठीक है। डेटा के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है। तो आपको ये बताना है कि एक बाइट जो है वो कितने बिट से मिलकर बनी होती है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो मुझे तो लग नहीं रहा है क्वेश्चन में गलत करोगे, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर किसी ने गलत जवाब दिया ना तो भाई उसका क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो इसका जवाब बिल्कुल सही देने के लिए। तो जिसने भी जवाब दिया इसका कौन सा, एक वन बाइट बराबर कितना होता है आपका, ठीक है, बीट में आपको जवाब देना। सबसे छोटा जो यूनिट होता है, जो बीट होता है, क्या होता है, बीट होता है, बाइट होता है, तो शायद आपका बीट होता है। तो आपको जवाब देना एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रही है, यानी कि 8 बिट होता है एक बाइट में। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। मुझे ये बता दो यहाँ पे कि यहाँ पे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करेंगे मैं क्या पूछना चाह रहा था आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी किलोबाइट मेक्स ए मेगा बाइट। इसका मतलब है अगर आपको एक मेगा बाइट बनाना है तो उसके लिए आप उसमें कितने, एक मेगा बाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। जल्दी से बताइए कितने किलोबाइट होंगे एक मेगा बाइट के अंदर।
यहाँ पे आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा आपका, ठीक है, कि 1 मेगाबाइट में आप कितने किलोबाइट रखोगे आप, ठीक है, यानी कि 1 MB बराबर, सीधा सा क्वेश्चन है, 1 MB बराबर कितने KB होते हैं, ठीक है, आपको पता है ना KB बड़ा होता है, KB बड़ा होता है, 1 MB बराबर कितने KB होते हैं आपको जवाब देना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है, यहाँ पे क्वेश्चन शायद पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, 1 KB बराबर कितना, 1 मेगाबाइट बराबर कितना किलोबाइट होता है आपका, तो आप इसमें जवाब दे सकते हो कि 1 MB बराबर कितने KB होता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बहुत से बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हो, 1024 यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि 1 MB बराबर 1024 KB होता है, ठीक है, तो शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर है। मुझे ये बता दो कि 1 TB यानी कि 1 TB, 1 TB बराबर कितना GB होता है आपका, ठीक है, 1 TB बराबर कितना GB होता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि 1 TB बराबर कितना GB होता है आपका, ठीक है, कितना GB होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, और साथ ही साथ मुझे ये जवाब दे दो कि एक होता है आपका KB होता है, ठीक है, एक होता है आपका MB, एक होता है आपका GB, एक होता है आपका TB और एक होता है आपका PB, इन चारों पांचों में सबसे बड़ा कौन सा होता है, क्या आपका PB होता है, PB मतलब पेटाबाइट, ठीक है, और TB मतलब क्या होता है आपका टेराबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, और MB मतलब मेगाबाइट, और KB मतलब किलोबाइट, ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, क्या पेटाबाइट होगा, टेराबाइट होगा, गीगाबाइट होगा, मेगाबाइट होगा, या फिर आपका किलोबाइट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में भी जवाब दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है, आप में से ज्यादातर या हम में से ज्यादातर लोग आज की डेट में WWW जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इंटरनेट, है ना, तो ये पूछ रहा है कि WWW जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी जो इन्वेंटर है वो कौन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा नई चीज जानकर, ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों के जवाब थोड़े से ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो जिसने इसका ऑप्शन जवाब दिया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए या डी, तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि टी बर्नर ली, ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने आपका जो WWW है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है, इन्होंने इनका आविष्कार किया था, शायद आपको चीजें क्लियर है, फिर सर अभी एक दो लाइन बताएंगे इनके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को ही हम WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, ठीक है, क्या आपको ये पता है कि ये जो हम पूरा हमारा जो डेटा जाता है ये किसके थ्रू जाता है, ठीक है, ये एक अतिरिक्त क्वेश्चन है, आपको लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। जल्दी से बताइए, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, क्या वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है या फिर वो किस चीज के थ्रू हो रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर है आपका। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं और सही भी है, तो ये होता है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। कई कंपनियां होती हैं जिसको हम किसमें बांट देते हैं, Tier 1 कंपनी, Tier 2 कंपनी, ठीक है, तो एक होती है आपकी Tier 1 कंपनी। Tier 1 कंपनी क्या होती है, जो देशों के बीच में समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाती है, तो वो होती है आपकी Tier 1 कंपनी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है, क्योंकि हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सब किसके थ्रू होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हो, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट चलाते हो, तो बहुत ही कम स्पीड आपको मिलती है, लेकिन जब आप फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते हो तो आपको काफी ज्यादा स्पीड मिलती है, गीगाबाइट्स में स्पीड मिलती है, ठीक है, उससे भी ज्यादा मिलती है स्पीड, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इसी में ही, भारत में जहां पर आपका पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा होता है, ठीक है, सारा का सारा डेटा जहां से बाहर की कंट्रीज के लिए जाता है, वो जगह का नाम क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ा जो एक तरीके से सर्वर है हमारा इंडिया का, वो सबसे बड़ा जो सर्वर है वो कहां पर स्थित है, तो बहुत ही कुछ लोग गैस कर रहे हैं, कुछ आंसर आ भी रहे हैं, तो भारत का जो सबसे बड़ा सर्वर है जिसके थ्रू डेटा बाहर जाता है, ठीक है, वो आपका सेंटर है मुंबई, मुंबई में सारा का सारा डाटा इन होता है और फिर वहां से फिर अलग अलग सेंटर को जाता है,
ठीक है, मुंबई के अलावा और कहां पर सेंटर है? कोचीन में है, चेन्नई के अंदर है, ठीक है, तो यहां पर हमारे सर्वर लगे पड़े हैं। ओके, तो आपको कुछ नई चीजें पता चली, इंटरनेट क्या है, आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे जवाब आ रहा है इसका, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, ए या बी के साथ? तो ज्यादातर बच्चे इसके जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रियम सर अभी इनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे फिर आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के जो आविष्कारक है उसको वो किसको नाम दिया जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसके थ्रू वो काफी फास्ट कैलकुलेट कर पाते थे, ठीक है। तो इसीलिए टीम जो हमारे चार्ल्स बेबेज है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझे यहाँ पे ये बता दो, जो ये माउस होता है, जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, इसका किसने आविष्कार किया था? इस चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आप देख के बता सकते हो, ठीक है। ये कौन है? ये WWE का हो गया आपका, WWW का हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब का हो गया, ये कंप्यूटर का हो गया। ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका, ये किसका है? ये कीबोर्ड का है या फिर माउस का है? किस साइंटिस्ट का नाम है आप बता सकते हो किस? हाँ ठीक है, ये क्या जो है, ये जो सीन ऑप्शन पे, ये इन्होंने कौन सा दिया था उसका, किसका किया था, माउस को किया था या फिर आपके कीबोर्ड की किया था, किसके किया था, आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। लास्ट में आपको बताएंगे इसके बारे में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी क्या होता है? एफटीपी का नाम आपने सुना होगा, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो है वो सीएससी ट्रेड से हैं, ठीक है, और हम लोग भी है, हमारे यहाँ भी बेसिक आईसीटी वगैरह पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको जवाब देना है कि एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत अच्छे से जवाब आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको पूरा पता है, ये बेसिक है, जो भी आज कल क्लास ले रहे हैं ना, ये बस आप ये मत सोचो बस पीओटी के लिए ही, आने वाले टाइम में भी आपके यूजफुल होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है आपके, ठीक है। ये कंप्यूटर के, इंटरनेट के, आईटीसी के, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं देख रहा हूँ करीब यहाँ पे 99% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, किसके साथ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे थे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, चीजें क्लियर है। फोल्डर नहीं होता ना कि आपका फाइल होता, वो होता है आपका ट्रांसमिशन नहीं होता, ये होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक डिवाइस की बात हो रही है कि वो कौन सी डिवाइस होगी जिसका यूज आप कर सकते हो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने एक जगह पे वो डिवाइस लगा दी और आप उसको रिमोट तरीके से, रिमोट एक अलग जगह से, लोकेशन से उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो ऐसी कौन सी डिवाइस होगी। डिवाइस की बात कर रहा है, ध्यान रखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ पे बहुत से बच्चे देख रहे हैं, मैं ऑप्शन ए बी सी सबके अलग अलग आ रहे जवाब, पर यहाँ पे आपको पता नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए इंटरनेट कम्युनिकेशन, यानी कि वो चीज जिससे आप इंटरनेट से एक तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपके व्हाट्सएप होते हैं, फेसबुक होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आप वहां पे कम्युनिकेशन करते हो किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। पर वो क्वेश्चन आपका नहीं है यहाँ पे, आपसे डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, कौन सा फाइबर ऑप्टिकल केबल हो आपका, ब्रॉडबैंड होगा आपका, ये फिर आपका पीएलसी होगा। ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मुझे तो लग नहीं रहा वो गलती करेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, क्योंकि जो इसका आंसर है उनके लिए बेस्ट है। तो मैं देख रहा हूँ तो करीब जवाब बिल्कुल करीब करीब सही आ रहे हैं, तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीएलसी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो पीएलसी की अगर हम बात करें तो पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। पीएलसी को प्रोग्राम किससे किया जाता है? लैडर डायग्राम से, ठीक है, किससे? लैडर डायग्राम से। पीएलसी जो है एक डिवाइस होती है जो कि कितने वोल्ट पे काम करती है, 12 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे कुछ वोल्टेज होती है जिसपे वो काम करती है, किस पे? डीसी पर काम करती है। पीएलसी का यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर आपको किसी प्रोसेस को ऑटोमेशन में डालना है, ऑटोमेशन के थ्रू आप काम करना चाहते हो, ठीक है, जहां पे आपको प्रोग्रामिंग वगैरह डालनी है, तो वो जो आप प्रोग्रामिंग करते हो जिस डिवाइस के थ्रू आप करते हो वो डिवाइस होती है पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। इंडस्ट्री में आज की डेट में ऑटोमेशन पर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, तो पीएलसी का यूज जो है वो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप लैडर डायग्राम वगैरह सीख लेते हो तो पीएलसी के फील्ड में आपको अच्छा काम मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, फुल फॉर्म ऑफ फुल नेम ऑफ ईमेल इज, ईमेल की आपको फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप जवाब इसका गलत दोगे, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, जो आप ईमेल करते हो यार, मेल करते हो, जो भी करते हो आप, ठीक है, फोन से, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा इसका? आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दो इसका, क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसका? तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका ईमेल होता है, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। बाकी जो आपका एक तरह से होता है ना, जो आप स्मार्ट बोर्ड पर जो पेन यूज करते हो, ठीक है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक पेन भी बोलते हैं, और उसको हम दो तीन नाम उसके और है, स्मार्ट पेन भी बोलते हैं और एक आधा नाम है उसके, ठीक है। मैं जब उसको पढ़ाऊंगा आपको ना, तो और अच्छे से बताऊंगा उसको, तीन तरीके से हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं उसको हम अगली क्लास में देखेंगे अभी, ठीक है। हम उसको इलेक्ट्रॉनिक पेन भी बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था, वहां पे चीजें आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईएसपी का आपने नाम सुना होगा, जब आपने सीखा होगा, आपने सुबह, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने सुबह की क्लास नहीं अटेंड की, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो सुबह को हमने इंटरनेट के बारे में एक वीडियो डाली है जिसके अंदर ये बेसिक टर्म्स जो है वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जल्दी से बताइए आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी। सुबह क्लास हुई थी 10:30 बजे करीब, गीता मैम ने लिया था, बहुत अच्छा लिया था, शायद बहुत कम ट्रेनेज आए थे वहां, क्लास का अटेम्प्ट किया था, ठीक है। फिर अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे चीजें क्लियर कर दी जाएगी कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। बाकी इसके बाद डिटेल्स में आपसे पूछेगा नहीं, आपसे फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेगा पेपर में, तो इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, क्या इसका इंटरनेट आपका सर्वर प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट सर्वर आपका प्रोवाइडर होता है, फिर आपका होता है नन ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि करीब इसके जवाब भी आपके 70-80% बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे, किसके साथ जा रहे, तो सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी के सर जा रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी प्रेम सर ने शायद आपको 5वें 6वें क्लास जब क्वेश्चन करा रहे थे, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया दिया था इसके बारे में, ठीक है, कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है टीसीपी से रिलेटेड। टीसीपी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो टीसीपी जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। टाइम स्टार्ट हो गया, पर मैं यहाँ पे देखूँ थोड़े बहुत बच्चे कंफ्यूजन में, अभी इसके बारे में डिटेल से बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है 40 क्वेश्चन कराना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल से आना है तो कोई नहीं, हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे कभी जूम पे चाहे ऐसे नॉर्मली, तो यहाँ पे अच्छे से बता देंगे। पर यहाँ पे अभी हमारा क्या है कि करीब 1 घंटे के अंदर हमें सारे के सारे क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पे काम पर फटाफट जवाब दो इसका, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ करीब 70% बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्लियर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने थोड़ा सुधार किया है, तो अब क्वेश्चन आपके सामने है, इन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन मॉडम कैन बी, इसका मतलब क्या है कि जो मॉडम है, पहली बात तो ये कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मेरा क्वेश्चन आपका ये है कि जो ये मॉडम है ये करता क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आपका होगा। तो यहाँ पे देखो, आपको पता नीचे जो मॉडम होता है दो तरीके से काम करता है, एक तो मॉड्यूलेशन की तरह करता है, एक आपका डीमॉड्यूलेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऐसे मॉडम जो है आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में कैसे काम करता है, एनालॉग को डिजिटल में करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, या फिर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बी एंड सी। तो इसका क्या हो जाएगा, बी एंड सी। मुझे ये कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि जो एक मॉडम होता है, मॉडम आपका जो मॉड्यूलेशन के फॉर्म में किसको कन्वर्ट करता है, क्या जब मॉड्यूलेशन के फॉर्म में होगा तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा या फिर डिजिटल को एनालॉग में करेगा। साथ ही साथ मुझे ये बता देना कि जब वो डीमॉड्यूलेशन के फॉर्म में रहेगा तो क्या वो डिजिटल को एनालॉग में चेंज करेगा या फिर आपको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो आपके 2-3 क्वेश्चन और बन गए,
मॉड्यूलेशन में आपको कैसे काम करेगा और डीमॉड्यूलेशन में कैसे काम करेगा, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरव जरा एक क्वेश्चन ये पीछे करना, जरा पिछले क्वेश्चन पे ले आना। तो जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन होगा और एक डीमॉड्यूलेशन होगा, बट थोड़ा सा आपको क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी कि आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि ये क्या बक रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको एक सिग्नल को दूर तक भेजना है, ठीक है, तो जो सिग्नल होता है, मान लीजिए जैसे आप जो बोल रहे हो वो एक प्रकार का सिग्नल है, वो एक प्रकार का एनालॉग सिग्नल है। अगर आपको ये जो सिग्नल है ये आपको दूर तक भेजना है, तो क्या ये दूर तक चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका सिग्नल है एनालॉग सिग्नल है, इसको आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर 0-1 होगा, यानी कि डिजिटल फॉर्म। तो जो मॉड्यूलेशन होगा, मॉड्यूलेशन के अंदर एक एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसमें क्या होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी बात होगी डीमॉड्यूलेशन की, तो डीमॉड्यूलेशन में आप क्या करते हो, आपके पास जो सिग्नल आ रहा है उसको आप डीकोड करते हो, ठीक है, इसीलिए तो आपने उसको नाम दिया है डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन में आप क्या करते हो, आपके पास जो डिजिटल सिग्नल आ रहा है उसको आप क्या करोगे, एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दोगे। एनालॉग सिग्नल यानी कि जो आपने बोला था बिल्कुल वैसा ही मैसेज आपका क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड पे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा आपका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। तो आपको अगर सुबह वाले लेक्चर आपने लिया होगा तो आपको अच्छे से याद हो, जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है इसमें से कौन सा नहीं, लैन नहीं होता आपका, मैन नहीं होता, वैन नहीं होता, या फिर सीपीटी नहीं होता, टीसीपी नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जवाब दे सकते हो कि जो टीसीपी है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इससे पहले हम करा चुके हैं आपको, तो इसका टीसीपी का भी आपसे पहले कराया गया था, तो आप टीसीपी का फुल फॉर्म भी बता सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले हैं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ टीसीपी का मतलब क्या होता है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, ठीक है। तो कंप्यूटर का, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिफॉर्म क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और उस आईपी को एक यूआरएल दिया जाता है, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है उसका एक स्पेशल स्पेसिफिक एक क्या होता है, यूआरएल होता है, ठीक है। तो टीसीपी के थ्रू क्या होता है, आपका जो पूरा डेटा है वो एक तरीके से आप जो है वेब है, ठीक है, आप क्या इंटरनेट के साथ कैसे आप उसको साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये जो आपका होता है टीसीपी, इसके थ्रू करते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो गौरव सर अगले क्वेश्चन पर चलिए। साथ ही साथ मुझे ये मैन और वैन के भी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि लैन जो है, मैन है और वैन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउजर। ब्राउजर की बात पूछ रहा है, ना कि वेब पेज की, ठीक है। तो ये आपके सामने चार, सर्च इंजन की बात नहीं कर रहा है, ये ब्राउजर पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कौन सा निम्नलिखित चार में से ब्राउजर होगा। यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ब्राउजर क्या होता है और आपका सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। तो दोनों आपके अलग अलग होते हैं, ब्राउजर आपका अलग होता है और सर्च इंजन आपका अलग होता है, ठीक है। आप ब्राउजर में तो सर्च इंजन को वो करते हो, आप सर्च इंजन कहाँ पे यूज करते हो, ब्राउजर में तो करते हो उसका, वहां पे ओपन करते हो ब्राउजर में, पेज को खोलते हो, तो ब्राउजर आपका अलग होता है, सर्च इंजन आपका अलग होता है। तो आपसे क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा कि इनमें से क्या चीज है जो एक ब्राउजर है आपका, ठीक है। तो क्या ओपेरा मिनी आपका, गूगल है, याहू है, बिंग है, क्या चीज है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। ये क्वेश्चन शायद आपका वहां पे भी स्किल भारत में भी है, भारत स्किल में भी है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब 90% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ ऑप्शन नंबर, यानी कि ओपेरा जो है आपका
ये सब आपका क्या है, तो ये ब्राउजर आपका, बाकी जो गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सब क्या है, ये है आपका सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। शायद आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन, सर्च इंजन की बात कर रहा है, ठीक है। और जब इसका आंसर आएगा ना, मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल चीजें भी बताऊंगा, तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन सा ब्राउजर है, तो ब्राउजर क्या था उसका, ओपरा था, ठीक है। तो यानी कि ओपरा आपका नहीं हो सकता, ओपरा इसलिए नहीं हो सकता, ये आपका ब्राउजर है। अब इसके अलावा अगर बात करें हम गूगल क्रोम के, तो गूगल जो क्रोम होता है आपका, ये भी आपका आपका क्या है, ये भी आपका ब्राउजर ही है। क्या है? ब्राउजर है ये भी आपका। अगर आप बात करें एप्पल सफारी के बारे में, तो भाई ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ब्राउजर है। पर गूगल, गूगल तो आपका भाई सर्च इंजन है, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सब आपके क्या है, ये आपका सर्च इंजन है। शायद आपको चीजें क्लियर है, तो जिसने भी ऑप्शन ऑप्शन डी का जवाब दिया, ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। तो गूगल के बारे में सर ने बता दिया आपको कि गूगल एक जो है सर्च इंजन है, बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गूगल गूगल का आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? गूगल है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गूगल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? आप जल्दी से लिखिए लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर, किसने गूगल की स्थापना की थी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बोलो सर जरा पीछे करना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो गूगल है, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप दे, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी से आंसर दे। तो बहुत ही कम आंसर आ पा रहे हैं, ठीक है। गूगल की जो स्थापना की थी वो दो PhD के स्कॉलर्स ने की थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लैरी पेज और दूसरे का नाम था सर्गेई ब्रिन, ठीक है। ये दो PhD के स्कॉलर्स थे कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। इन्होंने गूगल की स्थापना की थी। अगर हम बात करें गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो गूगल की अभी कुछ टाइम पहले ही, ज्यादा रिसेंटली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, ठीक है, एक इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट। तो अब आपको क्लियर होगा होगा। और गूगल के जो आज की डेट में CEO है, ठीक है, जो सबसे बड़े हेड कर रहे हैं, वो कौन है? भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी यहां से मिल गई। अगला क्वेश्चन आपसे ये है, फुल फॉर्म ऑफ मैन, मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना पीछे वाले क्वेश्चन में, मैन था, एक वैन था, अभी वैन का भी आप फुल फॉर्म लिख सकते हो। इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। उसके साथ जो आपका जो लैन था उसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है? चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, जल्दी से बताइए वेबसाइट क्या होती है। तो यहाँ पे देखो वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है, क्या ये जो बहुत से साइट होते हैं उसका एक ग्रुप होता है, क्या ये ब्राउजर का ग्रुप होता है, क्या ये बहुत से वेब पेज होते हैं उसका ग्रुप होता है, या फिर आपके सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो आप वेबसाइट यूज करते हो किसका ग्रुप होता है वो, ठीक है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दो। तो इसका जिसने भी जवाब दिया, ऑप्शन नंबर क्या, बी या सी, क्या ब्राउजर का ग्रुप होता है या फिर वेब पेज का ग्रुप होता है या साइट का ग्रुप होता है? तो मैं देख रहा हूँ करीब बच्चों के जवाब सबके थोड़े बहुत अलग अलग आ रहे हैं। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपके वेब पेज होते हैं उसके ग्रुप को हम वेबसाइट बोलते हैं। क्लियर है चीजें? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, इट रेफर टू द लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि यह कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भागीदारी के निम्नतम स्तर को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखो क्वेश्चन अब थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कंप्यूटर में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हो, जैसे आपका ICT हो गया, ई लर्निंग हो गया, IT हो गया, ठीक है। तो ये चीज क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी अलग अलग है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है आपका जो क्या कर रहा है, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल को बता रहा है। कैसे लेवल है? जो आपका सबसे नीचे इन्वॉल्वमेंट है, सबसे नीचे वाले हैं आपके, लोअर आपके जो सबसे लोवेस्ट लेवल में आते हैं आपके, जो यूज करते हो आप, कौन सी टेक्नोलॉजी हो? क्या आपकी ICT है आपका, ई लर्निंग है, IT है, या फिर आपका वेब ब्राउजिंग है? तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपका।
इंटरनेट और आईसीटी के चैप्टर का या हमारे चैप्टर का ये पेपर में आ सकता है आपका। तो सबसे लोअर लोवेस्ट जो टेक्नोलॉजी है आपका कौन सा आता है इसमें? आईसीटी तो नहीं होगा आपका। ई लर्निंग, ये भी ई लर्निंग में बेस्ट आपका। आईटी भी आपको पता है कि आईटी क्या चीज होता है, कितना बेस्ट लेवल है आपका। तो यहाँ पर जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेब ब्राउजिंग, उसका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि आईटी का फुल फॉर्म क्या है और आईटीसी का फुल फॉर्म, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिग्नल इज ए कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि ये जो चार ऑप्शन है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो होता है सिग्नल वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है। कॉन्टिन्यूस यानी कि एक तरीके से लगातार, तो कॉन्टिन्यूस सिग्नल कौन सा होता है? एनालॉग सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है, बाइनरी होता है या फिर मॉड्यूलेटेड होता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि क्या पूछ रहा है कि जो सिग्नल है वो कैसा कंटिन्यूअस है, फिर हम ये बोल सकते हैं कर्व के फॉर्म में, कर्विंग सिग्नल है आपका। तो क्या एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, बाइनरी होता है, फिर आपका मॉड्यूलेट होता है आपका, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चे को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ जा रहा है? एनालॉग के साथ जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका एनालॉग होता है ये आपका कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, जो आपका डिजिटल होता है आपका 0-1 यानी हाई लो होता रहता है वहां पर, ठीक है। तो शायद आपकी यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कैरीज ए सिग्नल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका मतलब है सेंडर और रिसीवर के बीच में वो कौन सी चीज है जो कि एक सिग्नल को कैरी करता है, ठीक है। यानी कि सेंडर है आपका, रिसीवर है, इनके बीच में सिग्नल को कौन कैरी करता है? मीडियम कैरी करता है, ट्रांसमीटर कैरी करता है, या फिर जो आपके दो ऑप्शन और दे रखे हैं ये कैरी करते हैं? तो जल्दी से बताइए कौन सिग्नल को कैरी करेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है। अभी आप वो वहां पे मत जाओ, कहाँ पे मत जाओ, आप उसके अकॉर्डिंग मत जाओ कहाँ पे, कि जो हमारा वो नहीं होता है क्या क्या कहते हैं कम्युनिकेशन होता है, वहां पे आपने ट्रांसमिशन वगैरह पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में थोड़ा आपको चीजें कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो सेंडर होते हैं, रिसीवर होते हैं, तो इनके बीच में जो सिग्नल होता है उन सिग्नल को कैरीज कौन करता है, कैरीज कौन करता है, पहुंचाता है कौन, किसके माध्यम से होता है आपका। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना, कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन आता है ना आपका बीच में, कैसा आता है, एक ट्रांसमिशन मीडियम आता है, मतलब एक चैनल आता है ना, कि किस चैनल के माध्यम से आप करते हो तो क्या चीज होगा, क्या वो आपका मॉडम होगा, ट्रांसमीटर होगा, कंप्यूटर नेटवर्क होगा, या फिर आपका कम्युनिकेशन मीडियम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उटपटांग लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन आपका बहुत सटीक क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम, आप जो सेंडर होता है, जो रिसीवर, इनके बीच जो सिग्नल को जो कैरीज करता है, ये होता है आपका कम्युनिकेशन मीडियम होता है इनके बीच में, इसके माध्यम से हम चीजों को करते हैं वहां पे, ठीक है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरव, ये जो पिछला क्वेश्चन था इसपे, इसको जरा एक बार खोल लो। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन मीडियम की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप सिग्नल को कौन लेके जा रहा है, ठीक है। एक मॉडम है, मॉडम ने क्या कर दिया, एक जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास डिजिटल फॉर्म तो आ गई, लेकिन उस डिजिटल फॉर्म को, ठीक है, उस डिजिटल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे भेजोगे? तो मैंने आपको बताया था कि केबल्स बिछी हुई है, कहाँ पर बिछी हुई है, समुन्दर के अंदर, ठीक है। किसने बिछा रखी है, कुछ कंपनियां है जिसको आप क्या बोलते हो, टीयर 1 कंपनियां, उन्होंने क्या बिछा रखा है, इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा रखी है, ठीक है, जिनकी क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ का मतलब होती है कितने डाटा को कैरी करेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी केबल होती है, ये आपका मीडियम होते हैं जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, ठीक है, जो आपका सिग्नल है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है अभी, और फिर दूसरी जगह क्या होता है, वहां पे डीमोडुलेट होगा और फिर वहां से वो ओरिजिनल फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द स्पीड एट विच सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। ये इसका मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है आपको पिछले जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन में। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आप ट्रांसमिटेड करते हो, चीजों को भेजते हो, ठीक है, जो सिग्नल है ट्रांसमिटेड करते हो उसको, तो ट्रांसमीटर ने कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से किया था ना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि जो उसकी स्पीड है यार, सिग्नल की स्पीड हो, किस पर डिपेंड करेगी आपके, किस जो ट्रांसमीटर जो सिग्नल कर रहे हो, किससे करे कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन उससे कर रहे थे ना, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कर रहे थे आप उसको, तो जो उसका स्पीड है किस पर डिपेंड करेगा, चैनल की कैपेसिटी पे करेगा, उसके मीडिया पे करेगा, उसके बैंडविड्थ पे करेगा, या फिर उसके फॉर्मेट पे करेगा। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी या डी, तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चैनल बैंडविड्थ, उसका बिल्कुल सही है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चले, ये डाउट है किसी को? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट पर एक होस्ट कंप्यूटर से दूसरे में डेटा के पैकेट के रूप में, ठीक है, जो ये आपका इंफॉर्मेशन जा रही है इसे कौन करता है, ठीक है। द सेट ऑफ कन्वेंशन यूज टू पास पैकेट्स ऑफ डाटा फ्रॉम वन होस्ट कंप्यूटर टू अनदर ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। इसका मतलब है इंटरनेट पर आपका जो डेटा है वो क्या रहता है, एक किसके रूप में रहता है, डाटा पैकेट के रूप में रहता है। उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो ले जा रहा है उसे आप क्या नाम देते हो। चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए क्या नाम दोगे आप। यहाँ पे देखो आपको दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक तो क्या क्लियर हो जाएगा आपका आईपी का फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल, साथ ही साथ आपके एक फुल फॉर्म और पता चल गया क्या, यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपके पास कि क्या चीज है, आप किसी उसको किसको आप किसी उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट पे एक जो आपका कंप्यूटर है वो क्या करता है, एक डाटा पैकेज जो अपने पास रखने के लिए चीजों को उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं, उसको उसका दूसरा नाम क्या है, उस इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है जो चीजों को कंप्यूटर जो होस्ट करता है, क्या चीज है वो, क्या आपका आईपी है, क्या आपका ISOSI है, या फिर आपका क्या हो जाएगा वो आपका URL है। तो शायद यहाँ पर चीजें मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब बिल्कुल सही सही आ रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है, कौन सा होता है आपका URL होता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस अभी बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमारा टाइम अभी बहुत कम बच रहा, हमें क्वेश्चन अभी कंप्लीट करने है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, जो आपने हो सकता है अपने कॉलेज वगैरह में देखे होंगे, लेकिन आज की डेट पे ये थोड़े ऑब्सोलेट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि ज्यादा यूज में नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होते हैं उसके अंदर आप किस टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हो। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए किस टीचिंग एड का यूज ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे, क्या पूछ रहा है कि ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है आपका, ठीक है, उसमें कौन सा टीचिंग एड आप यूज करते हो। आपको पढ़ाया गया था पूरा टीचिंग एड के बारे में, बताया गया था टीचिंग एड लर्निंग एड पूरा बताया गया, पूरा मैटेरियल आपको भर भर के पढ़ाया था हमने, ठीक है। तो क्या यूज करते हो वहां पे, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही है, क्या होता है ट्रांसपेरेंसी शीट लिखते हो, ट्रांसपेरेंसी शीट पे जो भी कुछ मेंशन होगा वो आपका प्रोजेक्टर उस पर फोकस करेगा, फोकस करने के बाद उसको एक तरह से क्या करेगा, एक फोकस के माध्यम से आपके डिस्प्ले बोर्ड को उसको प्रेजेंट कर देगा, उसको विजुअल कर देगा आपको, ठीक है। क्या होता है ट्रांसपेरेंसी शीट, जिसको दोनों साइड आर पार आप देख सकते हो, शायद आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टीचिंग एड्स नॉट सीन इन कन्वेंशनल मेथड ऑफ क्लासरूम। इसका मतलब क्या है कि एक कन्वेंशनल यानी कि जो एक साधारणतया नॉर्मल जो आपका कन्वेंशनल क्लासरूम होता है उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा टीचिंग एड नॉर्मली नहीं होता है। तो पोस्टर होता है, OHP, ठीक है, चाक एंड ब्लैक बोर्ड, जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपका, देखो क्या होता है कि जो पहले क्लासरूम होता था तो कन्वेंशनल था, कैसा था, बिल्कुल पारंपरिक था, बिल्कुल सिंपल था। तो वहाँ पे ऐसा क्या पूछ रहा है, चार ऑप्शन है, इसमें से आप नॉर्मली चीजों को सीन नहीं कर सकते, कौन सा टीचिंग एड है वो जो नॉर्मली आप सीन नहीं कर सकते, क्या पोस्टर है, OHP है, चाक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि OHP, OHP का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि OHP का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये कौन से में आता है, नॉर्मल में आता है, लो लेवल में आता है, मीडियम में आता है, फिर आपके हाई लेवल में आता है, कौन से इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आता है आपका, ठीक है। तो आप उसका भी जवाब दे सकते हो, आप उसका फुल फॉर्म भी ले सकते हो। ये नॉर्मली क्या करता है, देखो पोस्टर का आप विजुअल कर सकते हो, नॉर्मली ये क्या होता है आपका पोस्टर हो गया, चार्कबोर्ड हो गया, ये सब किस में आते हैं आपके नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड में आते हैं, जबकि जो OHP होता है ये आपका किस में आता है प्रोजेक्टेड विजुअल एड, यानी कि जो भी चीज ट्रांसपेरेंसी शीट पे लिखा होगा उस पर बोर्ड पे फोकस करेगा, ठीक है, ये एक तरह से प्रोजेक्शन के माध्यम से विजुअल करता है। बाकी जो पोस्टर होते हैं आपका चाक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ये आपको एक नॉर्मली विजुअल होते हैं, यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड होते हैं, शायद आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमने आपको पहले भी बता रखा है URL के बारे में,
तो जल्दी से बताइए यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होगी। अभी आपको बताएगा था, अभी पीछे आपको बताएगा था, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि आप कोई गलत करोगे, ठीक है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएसएलआर की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आज के डेट में क्या है कि आप कई प्रकार के कैमरा यूज करते हो, ठीक है, तो उन्हीं में से एक होता है डीएसएलआर। तो डीएसएलआर की आपको फुल फॉर्म बतानी है। हर कोई चाहता है ना डीएसएलआर से फोटो खिंचवाना, हर कोई चाहता है। तो भाई जब चाहते हो डीएसएलआर से फोटो खिंचवाना तो उसको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए ना आपको, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, क्या चीज नहीं होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट जवाब दो, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम लगभग लगभग हो चुका है। 5 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप प्रेम सर की पोएट्री आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे अगर टाइम वगैरह ओवर हो गया तो, ठीक है। तो आप नहीं चाहते ना मिस करो, तो फटाफट जवाब दो कमेंट सेक्शन में। तो इसका जिसने भी जवाब दिया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी या डी, तो जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या हो जाएगा इसका डिजिटल, क्या हो जाएगा इसका डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, क्या होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा होता है, ठीक है। सी लास्ट में जोड़ देना कैमरा, मतलब डीएसएलआर कैमरा बोलते हैं इसको, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौरव जरा पीछे करना। तो ये जो आपका डीएसएलआर है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। आपने जो कैमरे हैं, कैमरे कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एसएलआर, एसएलआर का मतलब होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिस कैमरास। सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिस कैमरास की अपेक्षा जो डीएसएलआर होते हैं, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिस कैमरास, उनकी क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है, ठीक है। जो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप में से किसे थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे पहले डिजिटल कैमरा बनाया था। जल्दी से लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दें। बहुत ही कम आंसर आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जॉर्ज इस्टमैन फ्रॉम कोडेक कंपनी, ठीक है। जॉर्ज इस्टमैन जो कि कोडेक कंपनी से थे, उन्होंने सबसे पहले डिजिटल कैमरा को बनाया था, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे है, ए स्मार्ट बोर्ड इज एन, स्मार्ट बोर्ड क्या होगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए स्मार्ट बोर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट बोर्ड क्या होता है, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दो। फिर मैं आपको एक थोड़ा सा दो तीन तरीके और बता देता हूँ। स्मार्ट जो बोर्ड होता है ना आपका, ये करीब आपके तीन तरीके से काम करता है। कैसे करता है, ये तीन तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे जवाब दे दो, इसका कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। तो जो आपका स्मार्ट होता है बोर्ड होता है, तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। क्या होता है आपका इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है विद टच स्क्रीन। तो मैं आपको बताऊंगा तीन तरीके से हमारा स्मार्ट बोर्ड कैसे काम करता है, लास्ट में इसको मैं बताने वाला आपको, ठीक है। पर यहाँ पे जिसने भी जवाब दिया आपका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन और रह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें अच्छे से, उसके बाद फिर आपको एक अच्छी सी पोएट्री आप सुनाऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रो टीचिंग एलिमेंट्स आर, माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से एलिमेंट होंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपके तीन एलिमेंट होते हैं, तीन फेस होते हैं और 6 स्टेप या साइकिल होती है। साइकिल स्टेप कितने होते हैं, 6 होते हैं, एलिमेंट आपके 3 होते हैं, फेसेस आपके 3 होते हैं। तो आपके ये 3 एलिमेंट आपके हुए माइक्रो क्लास, माइक्रोलेशन और कंपोनेंट स्केल। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन पैडागोजी। इसका मतलब है पैडागोजी के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। कल आपको बताया गया था, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ और बी के साथ जा रहे हैं। तो भाई डी और बी नहीं होगा आपका। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैडागोजी। आपसे यहाँ पे एंडागोजी के बारे में नहीं बात कर रहा, पैडागोजी जो आपके चाइल्ड जो बच्चे हैं, तो वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, डिस्कस वो होता है ना आपका, लेक्चर वगैरह होता है, नॉर्मल डेमोस्ट्रेशन हो गया, लेक्चर हो गया, तो वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। अगर यहाँ पे पैडागोजी होता तब होता आपका टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन वे कम्युनिकेशन वन वे होता है आपका, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्टेंस लर्निंग का प्रकार नहीं है। जल्दी से बताइए निम्नलिखित चार ऑप्शन में से
कौन सा डिस्टेंस लर्निंग का प्रकार नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो आप, एक तो सिंक्रोनस हो गया भाई, ये भी तो इसका टाइप होता है। हाइब्रिड, हाइब्रिड तो आपके दोनों होते हैं। हाइब्रिड में आपका सिंक्रोनस भी आ जाता है, आपका एसिंक्रोनस भी आ जाता है आपका, ठीक है। तो जो ऊपर के ए और बी और सी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कहीं ना कहीं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ये टाइप होते हैं, ठीक है। पर जो इसका ए बी, ये तो आपका सॉफ्टवेयर है ना, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन करता है, ठीक है। यानी कि अगर करता है, एक होता है आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एक होता है आपका हब होता है, एक आपका स्पोक होता है, इनके बीच में जो एक तरह से कनेक्शन होता है वो आपके ए बी सॉफ्टवेयर के द्वारा जोड़ा जाता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन हब एंड स्पोक मॉडल? जल्दी से बताइए वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हब और स्पोक मॉडल के अंदर यूज की जाती है? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, लैंड भी कनेक्शन करता है, ये भी चीजों को जोड़ता है, ठीक है, मैन भी करता है, वैन भी करता है। पर जो आपके हब और स्पोक को जो टेक्नोलॉजी जो यूज करता है, जो चीजों को कनेक्ट करता है, वो आपका जो ना तो लैन होता है, ना मैन होता है, ना आपका वैन होता है, ये होता है आपका ए बी सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू आपको जोड़ा जाता है, कनेक्शन किया जाता है। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा 37 क्वेश्चन के बारे में एक दो लाइन बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, चार तीन तरीके से काम करता है, फिर आपको प्रेम सर एक उड़ान भरने वाले शायरी सुनाने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, हाँ, स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड आपका तीन तरीके से काम करता है, और तीन तरीके आपके कौन कौन से हैं? पहला कौन सा होता है आपका? तो पहला होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका, एक होता है आपका इंटरेक्टिव, यहाँ पे जो आपका मेंशन है, ठीक है, इंटरेक्टिव एक हो गया आपका। दूसरा किस मोड में काम करता है? तो दूसरा आपके ऑफिस मोड में काम करता है, किसमें? ऑफिस मोड में। और तीसरा कौन सा मोड होता है? तीसरा होता है आपका व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आपका इंटरेक्टिव मोड में क्या करता है वो, यहाँ पे आपको चीजें और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे क्या करते हो इंटरेक्टिव बोर्ड में, क्या करते हो यहाँ पे, यहाँ पे आप चीजों को लिख भी सकते हो वहां पे, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है वहां पे, टच स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाया जाता है ना, आप चीजों को टच करते हो, लिखते हो। यानी कि एक तरह जो स्मार्ट बोर्ड होगा ना आपका, स्मार्ट बोर्ड किसमें आ जाएगा आपका? इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? आपको इंटरेक्टिव के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे चीजों को आप जो भी पढ़ाओगे, आप उसका पीडीएफ के फॉर्म में लास्ट में कर सकते हो, उसके टच को डिस्प्ले पर टच करके आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरा मोड कौन सा होता था आपका। दूसरा होता है आपका ऑफिस मोड। ऑफिस मोड में क्या करते हैं आप, वहां पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहां पे शो करते हो, और चीजों को वहां पे विजुअल करके चीजों को देख लेते हो। तो ये सब किसमें आता है आपका? ऑफिस मोड में। ऑफिस मोड में क्या करते हो आप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, फिर एक्सेल के माध्यम से फाइलों को वहां पे डिवाइस को शो करते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो और चीजों को समझ लेते हो। ये आपका दूसरा मोड हो गया। तीसरा मोड कौन सा था आपका? तो तीसरा मोड था आपका व्हाइट बोर्ड, यानी कि एक नॉर्मल बोर्ड की तरह भी यूज करते हैं इसको। यानी कि आप मार्कर पेन वगैरह यूज करके आप चीजों को यूज कर लेते हो। यानी हमें ये पता चल गया, स्मार्ट बोर्ड को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव से कर सकते हैं, दूसरा ऑफिस मोड में कर सकते हैं, और तीसरा व्हाइट बोर्ड फॉर्म के रूप में कर सकते हैं। और जिस मार्कर से लिखा जाता है इसको नॉर्मली, अगर हम स्मार्ट बोर्ड के बारे में बात करें तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स पेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और भी उसके एक आधे नाम और होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक पेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पेन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन बोलते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, प्रेम सर आपको उड़ान भरने वाली एक पोएट्री बताएंगे, फिर आपसे हम अलविदा लेंगे, ठीक है प्रेम सर। उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ किसी खास टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस चीज के ऊपर वीडियो बनाने की। जहां तक कोर्स की बात करें तो हम 70 के आसपास अब तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादातर टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। बट हम धीरे धीरे और अपना और टॉपिक्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कवरेज बढ़ा रहे हैं। तो जाते जाते एक खूबसूरत पोएट्री आप सबके लिए, फ्रॉम मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समाज देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। थैंक यू सो मच।
आप अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दे दो, आपको नॉर्मल कमेंट बॉक्स में वहां पे दे दो, और ग्रुप में दे दो, ठीक है, जैसे भी आपको कुछ लगे कि आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, ऐसे मुझे हमें बेटर समझ में आता है, तो जो भी अपने ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, जो भी कुछ देना चाहते हो हमें दे सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, पर आपका फीडबैक जरूर देना है। आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्या पता हमें आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, पर जो भी चीज हम बिल्कुल बेसिक लेकर चलना है कि आपका हर चीज क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद जय भारत। रैंक रैंक में क्या रखा है, जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।